आज मैं आपको भारत के उस हिस्से में ले जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने अलग अलग बातें सुनी होगी, लेकिन कहीं पर भी आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली होगी। इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जगह भारत के 10 मशहूर भूताई जगह में से 7वें स्थान पर है। कौन सी है वो जगह, आइए जानते हैं। भारत की ऐतिहासिक कहानियों से भरा हुआ जगह शनिवारवाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित ये किला बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा के साथ ही पेशवे की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संजोए हुए हैं। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 में एक महल का निर्माण करवाया जो शनिवारवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये महल पुणे में आज भी मौजूद है। 1818 तक ये पेशवाओं के अधिकार में रहा। 1828 में इस किले में आग लगी और किले का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। यह आग कैसी लगी ये अपने आप में अब तक एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। स्थानीय लोग कहते हैं इस महल से अब भी अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज़ आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। ये आवाज़ उस शख्स की है जिसकी हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दाव पेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं काका मला वाचवा। काका मला वाचवा का अर्थ हिंदी में चाचा मुझे बचाओ है। नारायण राव की हत्या क्यों और किस कारण से हुई उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। नारायण राव नाना साहेब पेशवा का सबसे छोटा बेटा था। नाना साहेब पेशवा जो कि बाजीराव के बड़े बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ राव यानी राघोबा जो कि बाजीराव और काशीबाई के छोटे बेटे थे उनको संरक्षक बनाया गया और शासन संचालन का अधिकार भी राघोबा के हाथों में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से राघोबा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थे। वह सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। राघोबा की इस हसरत की भनक नारायण राव को लग गई और दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच राघोबा ने सुमेर सिंह गर्दी जो भीलों का सरदार था उसे पत्र लिखकर नारायण राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन इस पत्र को आनंदीबाई ने बदलकर नारायण राव को मारने का हुक्म में बदल दिया। सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव काका मला वाचा पुकारते हुए महल में भागा, लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव को अंत कर दिया। तभी से उनकी आवाज़ यहाँ गूंजती है। और यह किले के बाहर एक बोर्ड है जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन को भी ऑन कर दो, जिससे मैं कभी भी ऐसे वीडियो डालूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।